अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हमारे किचन में वाइट कढ़ाई बनाई है हमने। बहुत डिलीशियस ये कढ़ाई बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। तो चलें इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने का तरीका देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से तैयार किया है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो थम्स अप दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलें ये मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक वेसल ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दिए और उसके अंदर एक कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब मैंने 700 ग्राम चिकन ले लिए, ये डाल देंगे। चिकन को हम 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर हमें करना है। हमने 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर भूना है, इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद हमें 2-3 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर भूनना है। अब मैंने 6-7 हरी मिर्चें ली और उनको इस तरह से पीस लिया, उसका पेस्ट बना लिया, ये इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काले मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ खोपरा है, ये डाल देंगे। 1 कप दही लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, इसे डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और अब इसे कवर कर देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम लो हीट पर अब इसे पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और पानी खुश्क हो जाए सारा। 10 मिनट हमने चिकन को कवर करके पकाया है लो हीट पर। अब मैंने 4 टेबल स्पून क्रीम लिए, ये इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से और 5 मिनट तक हमें इसको पकाना है क्रीम डालने के बाद, ताकि क्रीम का कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन में क्रीम का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब मैंने 2-3 हरी मिर्चें लिए जिनको इस तरह से लंबाई में काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी अदरक डाल देंगे जूलियन स्टाइल में, काट लिए हमने इसे। और 2 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे लो हीट पर। अब चिकन बिल्कुल गल चुकी है, वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब मैं आपको इसको सर्विंग बाउल में निकाल कर दिखाऊंगी। हमारी बहुत यम्मी सी चिकन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है, सबको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।